नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। गोविंदपुर थाना अंतर्गत फोपुआडी के जयलक्ष्मी फ्यूल कोल डिपो में पुलिस और खनन विभाग की टीम ने छापेमारी कर करीब 3700 टन अवैध कोयला जब्त किया है। एसएसपी के निर्देश पर धनबाद हेडक्वार्टर 1 के डीएसपी अमर कुमार पांडे के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें गोविंदपुर थाना प्रभारी उमेश प्रसाद और उनकी टीम के साथ ही खनन विभाग के दिलीप कुमार भी मौजूद थे। जांच में पता चला है कि इस कोल डिपो में ट्रेडिंग लाइसेंस की आड़ में कोयले का अवैध भंडारण और बिक्री की जा रही थी। पुलिस ने कोल डिपो के संचालक गोविंद दुधानी और रेणु दुधानी पर मामला दर्ज किया है। वरीय पदाधिकारीगण के निर्देशानुसार एक माइनिंग विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी थी और इस संयुक्त छापेमारी के क्रम में गोविंदपुर थाना अंतर्गत फुफवाड़ी नामक स्थान पर अवस्थित जयलक्ष्मी फ्यूल्स में करीब 3700 टन अवैध कोयला जब्त किया गया है, जिसे कि हम लोगों के द्वारा जब्त कर अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए और प्राथमिकी दर्ज की गई है। दो नामजद व्यक्तियों जिनमें कि गोविंद प्रसाद दुधानी और रेणु दुधानी इसके प्रोप्राइटर हैं, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। आरंभिक रूप से जो डीलर निबंधन दस्तावेज है वो उनके पास नहीं है, इसके बावजूद उनके द्वारा ये संचालन किया जा रहा था, तो प्रथम दृष्टया जो है मामला अवैध भंडारण प्रसंस्करण एवं व्यापार से संबंधित प्रतीत होता है और खनन विभाग के पदाधिकारी के लिखित बयान पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है और अगतर अनुसंधान इसका जारी है। लीगल तरीके से बिना लाइसेंस प्राप्त किए, बिना स्टॉकिस लाइसेंस प्राप्त किए एक मतलब जयलक्ष्मी फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है कोयले का खरीद बिक्री किया जा रहा था। नियम के हिसाब से उनको स्टॉकिस लाइसेंस लेना है और इलीगल तरीके से वैध तरीके से कोयले को स्टॉक में ले आना है और ई चलान के माध्यम से उस कोयले को बेचा जाना है, लेकिन उनके द्वारा जो है स्टॉकिस लाइसेंस बिना प्राप्त किए ही अवैध तरीके से कोयले का कारोबार किया जा रहा था। जांच के क्रम में जो कोयला वहां पर पाया गया उस संदर्भ में जो है जांच दल को उनके द्वारा वैध दस्तावेज नहीं दिखाया गया, जिसके चलते उसके विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं छापेमारी से कोयला तस्करों के सिंडिकेट में खलबली मच गई है। उधर केंदुआ डी से भी पुलिस ने 2 ट्रक अवैध कोयला पकड़ा है। एआरआई न्यूज के लिए गोविंदपुर से सहयोगी तपन मंडल के साथ पवन मोदी की रिपोर्ट।